आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो पर आज हम चर्चा करेंगे नवरात्र स्पेशल नाइन पेनी स्टॉक्स में से सिक्स पेनी स्टॉक आज है छठा दिन माता का और आज की हम व्रत जो रखते हैं वो गोडेस कात्यायनी की कात्यायनी की लिए रखते हैं माता कात्यायनी जो है वो पार्वती माता की एक अवतार है और जो कि समझा जाता है कि सबसे फाइटिंग स्प्रिट वाली अवतार है इनके हाथ में एक तलवार रहती है जब हम इनकी पूजा करते हैं तो इनको प्रसाद के रूप में हनी चढ़ाया जाता है शहद चढ़ाया जाता है तो आज आप अपने घर में हनी का सेवन जरूर कीजिएगा चाहे तो आप चाय के साथ उसको चाय में डाल के पी सकते हैं चाहे आप डायरेक्ट खा सकते हैं या किसी मिल्क में भी डाल के उसको ले सकते हैं तो इसका प्रसाद लीजिएगा आज प्लीज हमारे हमारे हिसाब से अब हम चलकर बात करेंगे आज के पैनी स्टॉक की इंडिया में आगे आने वाले समय में जो कंस्ट्रक्शन वर्क होगा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा बहुत ज़्यादा डिमांड करेगा क्योंकि अभी भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंपैरिजन में कहीं भी नहीं खड़े होते हैं तो इसलिए ये एक स्टॉक आगे आने वाले समय में हो सकता है आपके लिए एक मल्टीपैगर बने अभी ये पेनी स्टॉक है ड्यू टू सर्टन रीजन जो हम बताएंगे आगे और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं जैसे हमारी हमेशा सलाह रहती है पेनी स्टॉक में ग्रुप ऑफ पेनी स्टॉक सेलेक्ट कीजिएगा और एक स्टॉक में दो के आसपास ही इन्वेस्ट कीजिएगा एज अ पेनी स्टॉक स्ट्रेटजी अब चलकर हम बात करेंगे हम किस स्टॉक की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं जेपी ग्रुप की और इन पर्टिकुलर जेपी एसोसिएट की तो जरा चलकर इसका भाव देखते हैं और पता लगाते हैं कि क्या चल रहा है इसका तो इसका भाव जो चल रहा है तीन रुपये पचपन पैसे के आसपास चल रहा है अभी आज की तारीख में और अगर इसकी कंपनी के एनालिसिस किया जाए तो देखिए कंपनी हर सेगमेंट में है जहां जहां आगे ग्रोथ पॉसिबल है इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में इनका काम होता है बहुत सारे डैम्स बनेंगे बहुत सारे ब्रिजेस बनेंगे सीमेंट हमेशा हर घर में ज़रूरत पड़ती है हमेशा हर ब्रिज कंस्ट्रक्शन में जरूरत पड़ती है तो सीमेंट में भी इनका काम है और साथ में पावर जनरेशन में भी इनका काम है जो कि आने वाले समय में हमें हर तरह की पावर देंगे इंक्लूडिंग वाटर जनरेशन और हाईवे बनाने में भी इनका बहुत अच्छा योगदान रहता है तो हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर काम करेंगे तो ये बहुत बढ़िया तरह से एक डाइवर्सिफाई ग्रुप कह सकते हैं इसको सीमेंट बिजनेस में है कंस्ट्रक्शन में है हाईवे में है हॉस्पिटैलिटी में है फर्टिलाइजर सेगमेंट में है तो खेती से भी इनका मिला हुआ है और हेल्थ केयर में भी इनका ग्रुप है रियल इस्टेट डेवलपमेंट भी करते हैं तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत वाइड स्प्रेड इनका पोर्टफोलियो है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है स्पोर्ट्स के जो हमारे फॉर्मूला वन कार है उसको बनाने के तैयार हैं और एजुकेशन में है इनका तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक डाइवर्सिफाई सेक्शन है अब ये पेनी स्टॉक क्यों है उसकी डिटेल हम आपको आगे बात बताएंगे पर अगर इनकी कंपनीज की बात की जाए तो इनके पास डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंपनीज़ हैं यमुना एक्सप्रेस इन्होंने बनाया है देखिए जे पी इंफ्राटेक है जे आई एल आई टी है जे पी सीमेंट है जे पी हॉस्पिटल्स है तो इनके पास जैसा बताया है कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हैं जो आप अपने हिसाब से इनको चूज कर सकते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं अब अगर कुछ स्टडीज इसकी देखी जाए तो एक सुपर ट्रेंड के बेसिस पर आपको इंडिकेशन पहला मिल जाता है कि क्या इसकी रुख हो रहा है तो देखिए मार्च का जब लो बना था यहाँ से इसने एक बाई सिग्नल दिया और उसके बाद रिलेटिवली अच्छा परफॉर्मेंस किया चार रुपये पचास पैसे तक चला गया है और फिर से ये थोड़ा नीचे गिरा था यहाँ पर तीन रुपए दो रुपये सत्तर पैसे के आसपास आया था फिर थोड़ा आप बाई सिग्नल इसने दिया है सुपर ट्रेंड के बेसिस पर और यहां से लग रहा है कि आगे ऊपर जाने की कोशिश करेगा कुछ समय के बाद में तो कुछ की इंफॉर्मेशन इसकी शेयर की जाएगी अगर इसकी मार्केट कैप वैल्यूएशन के हिसाब से देखी जाए तो नाइन करोड़ की कंपनी है कोई डिविडेंड नहीं देती है तो इस वजह से ध्यान रखिए डिविडेंड की दृष्टि से पैनिंग स्टॉक है यहाँ पर ये अब आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक मिनट के लेकिन समझाने की कोशिश करेंगे सेक्टर को डाइवर्सिफाई कीजिए अलोकेशन बेस्ड ऑन मार्केट कैप कीजिएगा ऐसा नहीं कि आपने एक ही स्टॉक खरीद लिया हंड्रेड कैपिटल का वो गलत स्टडीज होगी लार्ज कैप है तो दस तक मिड कैप में पांच परसेंट तक अगर पैनिंग स्टॉक है तो दो परसेंट तक आपको अलाउड है उसमें और कैश हमेशा रखिएगा अपने पास में उसको चाहे आप इंटरडेटेडी के हिसाब से यूज कर सकते हैं या फिर कंटीजेंसी की तरह से यूज कर सकते हैं ये ट्वेंटी परसेंट पोर्टफोलियो होना चाहिए आपका इसमें अब अगर हम बात करें इसके सेल्स फिगर की तो सेल्स फिगर जून के क्वार्टर में थोड़ी गिर गई है जैसी उम्मीद थी पहले 2000 करोड़ के आसपास हुआ करती थी मार्च में 1800 करोड़ हुई है अभी यहां पर जून में जाकर 1100 करोड़ के आसपास हुई है और अदर इनकम्स की बात करें तो उतनी ज्यादा नहीं है अदर इनकम क्योंकि सारी एक्टिविटीज ज्यादातर बंद हो चुकी थी एक्सपेंडिचर को कंट्रोल किया है पर इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाए हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा लॉस है उनको इस बार तीन करोड़ का वन ऑफ द मेन रीजन उनका लॉस के लिए है जो उनकी डेप्ट है और यही कारण है इनका पेनी स्टॉक हायर डेप्ट होने की वजह से इनको दो करोड़ का अपना टैक्स इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ऑन ऑन अ क्वार्टर क्वार्टर बेसिस कम किया है उन्होंने 700 करोड़ से 200 करोड़ रह गया आगे फर्दर रिडक्शन का प्लान चल रहा है तो जिसके चलते हुए जब ये डेप्ट रिडक्शन हो जाएगा तो इनकी कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी वापस बहुत जल्दी आ जाएगी तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी पेनी स्टॉक होता है तो कुछ ना कुछ उसमें चैलेंजेस रहते हैं अगर मैनेजमेंट एक्टिव है और उस चैलेंज को वर्क कर रही है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं वेल्थ क्रिएशन आपकी होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एट्टी परसेंट पोर्टफोलियो आपको इन्वेस्टमेंट करना है ट्वेंटी परसेंट से ट्रेडिंग कीजिए हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ इनडी ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं चाहे तो यूज कर सकते हैं और ट्वेंटी परसेंट को अगर ग्रो किया तो आपका वेल्थ रिड्यूस होने का ज्यादा प्रॉब्लटी है अब अगर देखेंगे तो जेपी एसोसिएट का प्रमोटर होल्डिंग जो है थर्टी एट परसेंट है और क्योंकि डेप्ट है उनके पास में बहुत ज्यादा तो उन्होंने ट्वेंटी परसेंट को प्लेज किया हुआ है एफ आई आई की होल्डिंग चार परसेंट है जो कि गिर गई है पहले के कंपेरिजन में और अदर्स आप और हम जैसे लोगों की काफी होल्डिंग है फोर्टी थ्री परसेंट के आसपास होल्डिंग है इंश्योरेंस कंपनी भी कुछ होल्ड करती है तो अगर कुछ की स्टडीज देखी जाए तो देखिये बुलेंजर बैंड के बेसिस पर आपको पता लग जाएगा कि अभी यहां से एक्सपेंशन मोड चल रहा है तो ये थोड़ा सा ऊपर चलने की कोशिश करेगा वहीं पे अगर एलिगेटर इंडिकेटर से स्टडी की जाए तो एलिगेटर इंडिकेटर के बेसिस पर इसने एक अच्छा अप मूव दिखाना शुरू किया है और यहां पर अब ये बाय सिग्नल जनरेट हो चुका है एलिगेटर सिग्नल के बेसिस पर भी एक हमारी जो फेवरेट स्टडी होती है वो है मैगडी मैगडी के बेसिस पर आप सिग्नल को थोड़ा सा पहले बता सकते हैं कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है तो अगर मैगडी को देखें तो मैगडी ने छह दिन पहले से ही सात दिन पहले से ही यहाँ पर बाई सिग्नल जनरेट कर देता है यहाँ पर आया था करीब तीन रुपए के आसपास तो बाई सिग्नल जनरेट हो गया था इसका तो अच्छा लेवल है यहाँ पर तीन रुपए के आसपास इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए अब दो चीज पॉजिटिव जो होंगी इसके आने वाले समय में जैसा बताया रिडक्शन प्लान चल रहा है जैसे ही प्लान का इंप्लीमेंटेशन शुरू होगा अप्रूवल आएगा तो ये एक स्टॉक अच्छा स्टॉक बन जाएगा आपके पोर्टफोलियो होल्ड करने के लिए और ये कंपनी एक ग्रुप ऑफ कंपनी है इसको अमेलगमेशन कह सकते हैं आप एक तरह से और ये आने वाले समय में एक अच्छा ग्रुप बन जाएगा क्योंकि हर बिजनेस सेगमेंट का इन्होंने काम अपने पास रखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ डेप्ट का कंट्रोल करना है उसके बाद में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी बॉटम लाइन बढ़ेगी तो अब तीन की पॉइंट्स आपके लिए जो आप कंसिडर करने हैं इसके लिए आगे आने वाले समय में ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है इनकी तो उससे रेवेन्यू जनरेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का ऑर्डर बुक क्या होता है वो जनरली नाइन मंथ प्लस या या फिर दो दो साल तीन तीन साल के प्रोजेक्ट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर केसेस में तो ऑर्डर बुक अभी आने वाले क्वार्टर्स ऑप्शन बैंक के साथ में टाइप करके उसको डिफरेंट कैटेगरी लोन बना सकते हैं ताकि इंटरेस्ट कम हो और या फिर इसको डेब्ट को इक्विटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो मैनेजमेंट थिंकिंग ऑल पॉसिबिलिटीज प्रॉफिटेबिलिटी कब रिटर्न होगी आने वाले समय में जैसे ही इनका रिडक्शन रे, प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और इंटरेस्ट जो है वो डबल डिजिट में आ जाता है ट्रिपल डिजिट बजाय तो हमारे हिसाब से इसका क्वार्टर प्रॉफिटेबल होने लगेगा और उम्मीद टाइमलाइन के हिसाब से अगर बात की जाए तो आने वाले तीन क्वार्टर के अंदर हमारी उम्मीद है कि ये प्रॉफिटेबल यूनिट हो जाना चाहिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बार लाइक कीजिएगा अब चलकर हम जरा बात करते हैं कि इसको कैसे स्ट्रेटजी करनी है आपकी बाइकी बेस्ड ऑन अवर वैल्यूएशन पैरामीटर विच वी है एनालाइज्ड इसका जो सबसे पहला आपका लेवल है बाय करने का वो रहेगा तीन रुपये के आसपास तो करंट डायरेक्ट मार्केट प्राइस पर मत बाय कीजिएगा थोड़ा वेट कीजिए हो सकता है करेक्शन हो मार्केट में ओवरऑल हो सकता है स्टॉक थोड़ा करेक्ट करे तो यहां पर आप इसको बाय कर सकते हैं तीन रुपये का एक पहला लेवल है जो आपको अपने पास खरीदने का चेष्टा करनी चाहिए दूसरा लेवल जो रहेगा अभी करंट मार्केट प्राइस और वैल्यूशन के बेसिस पर दो रुपये बीस पैसे का रहेगा लास्ट लेवल हमारी उम्मीद नहीं है कि आएगा पर अगर आता है तो आपके पास में पोर्टफोलियो में जगह होनी चाहिए कैश की ताकि इसको खरीद सके जो तीसरा लेवल है वो है वन रुपीज़ थर्टी पैसे का अगर ये आता है तो आपकी इस तरह से खरीदना है और स्टैगर्ड मैनर में खरीदने का एक टेपेजर्ड वे है सपोज़ आपको टेन थाउजेंड रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं तो पहले दो हज़ार तीन रुपये पे कीजिएगा अगले तीन हज़ार दो हज़ार टू रुपीज ट्वेंटी पैसे भी कीजिएगा और अगले पाँच हज़ार एक रुपया तीस पैसे के पास रखिएगा क्योंकि पैनी स्टॉक में लोग बात करते कैसे हैं कि वो सारा पैसा एक साथ लगा देते हैं और फिर उनके हैंड बर्न हो जाते हैं और उनके पास पैसा नहीं बचता तो इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा समझिए क्यों कह रहे हैं लॉन्ग एक्सपीरियंस के बाद ये चीज़ समझ में आई है इसलिए आपको रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पर हम जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से अब आने वाले तीन साल में इसका अगर टारगेट हम देखें हम थोड़े एग्रेसिव है इसमें पंद्रह रुपये का टारगेट हमारे हिसाब से इसका आ जाना चाहिए और ये एक रीजनेबल डिसेंट कंपनी है मैनेजमेंट अच्छी है प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं तो उस हिसाब से एक डिसेंट पैनिंग स्टॉक है अपना समय देने के लिए धन्यवाद आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली ये चार वीडियो हमारे चैनल के सेलेक्ट किए गए हैं जो आपको अच्छा लगे आप देख सकते हैं अगर कोई सेलेक्ट नहीं किया है कोई बात नहीं आप हमें कमेंट में कमें ज़रूर बताइए कि आप क्या वीडियो देखना चाहते हैं और क्यों आपने सेलेक्ट नहीं किया ताकि हम आपके रिक्वेस्ट पर हेल्प कर सकें हम टेलीग्राम चैनल पर भी हैं चाहे ज्वाइन करें जय हिंद जय भारत बाय बाय